1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लीं, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। पार्टीशन हुआ था या हो रहा है, क्या मतलब है इसका? किस मानसिकता पर फिल्म की कहानी को बनाया जा सकता है? क्यों नाराज है हर दूसरा शख्स पार्टीशन से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बीते महीने ही अपने रिलीज के 20 साल पूरे किए हैं। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपने करियर की इस सबसे बड़ी हिट को लेकर हमेशा उत्साहित रहे हैं। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रिलीज के 20 साल पूरे होने पर अनिल ने कहा था कि ये फिल्म भले बंटवारे के वक्त की हो, लेकिन इसमें हमने पाकिस्तान की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है और पड़ोसी को नीचा दिखाना हमारे संस्कार में नहीं है। हम पाकिस्तान को फिल्म में कहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते और पाकिस्तान के इस वकार को पर्दे पर पेश करने की हमारी कल्पना को अमरीश पुरी ने साकार कर दिया था। उसी तरह अब की बार भी फिल्म को अलग लेवल पर बनाया जाने वाला है। डॉक्टर मुल्ला आदम अली द्वारा लिखित किताब पार्टीशन से अगर गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 बना होगा तो शायद लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए कि पार्टीशन हुआ ही नहीं था, या यूं कहें कि पार्टीशन हो रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो पार्टीशन में हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध को दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टीशन तो हम खुद अपने देश में भी कर रहे हैं, कहीं धर्म को लेकर, कहीं काम तो कहीं जाति और पैसों को लेकर। जिस पर अगर गदर 2 की कहानी को लिखा और लोगों तक पहुंचाया जाए तो लोगों तक एक अच्छा मैसेज जा सकता है। तो ऐसे कुछ डॉक्टर आदम अली की किताब में जिक्र था जिससे हम गदर 2 की कहानी को सोच सकते हैं। कहानी कुछ यूं थी कि कुर्बान भाई का वास्तविक नाम भी कुर्बान भाई था। बावरी विध्वंस के बाद अल्पसंख्यकों के मन में अराजकता सुनापात खोखलापन घर कर गया। संजीव के शब्दों में कहे तो अविश्वास की ओर धकेले गए मनुष्य मानसिक खोखलापन अराजकता एवं सुनेपन के अलावा हमेशा दिन रात आतंक के साए में दिन बिताने को मजबूर हुए। अपने और अपनी मिट्टी से परायपन जैसी अवस्था को पार्टीशन नामक कहानी के जरिए प्रस्तुत करते हैं। कुर्बान भाई विभाजन के वक्त अपना परिवार, सगे संबंधी, बपौती व संपत्ति सब खो गए, फिर भी वो अपने अतीत को इंसानियत और शराफत के बल पर सहता है। दूसरी तरफ ईमानदारी, शराफत और मानवता के बल पर सभी अमानवीय कार्यों, यंत्रणाओं और कष्टों की भूल भुलैया से उभर कर मनुष्य का ओहदा प्राप्त करने की कुर्बान भाई की क्षमता के कारण उसे धमकियां और फरियादें मिलने लगी। पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए नहीं है, समझे? चुपचाप सालन रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। यहाँ रहना हो तो पानी में रहकर मगरमच्छों से बैर करने से क्या फायदा? कुर्बान भाई ने अग्नि परीक्षा जीतकर जो अपनापन, आत्मविश्वास, सहजता अर्जित किए हैं उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिया गया है। तिल मिल टूटते कुर्बान भाई को झटका लगता है गोमिया से, जब वो उन्हें कुर्बान भाई के बजाय मियां कहता है। एक ही मिनट में वो कुर्बान भाई से मियां कैसे बन गए? कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर जो सम्मान प्यार अर्जित किया है, रोज कीमत चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सजगता उन्होंने अर्जित की थी, तिल मिल करके बना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। वो सोचते हैं कि अपनी मेहनत का खाते हैं,
फिर भी ये लोग हमें अपना बोझ ही समझते हैं। वो सोचने लगता है कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले जाते, लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी अच्छी बात तो नहीं सुननी पड़ती। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। या अल्लाह, हिंदुत्ववादियों को क्या पता कि कुर्बान भाई के अंदर क्या टूटता है। और बुद्धिजीवी कहते हैं पार्टीशन हुआ था, नहीं हो रहा है, जारी है। तो यहाँ किसी धर्म या जाति विशेष को दुख पहुँचाने का इरादा नहीं है, बस कुर्बान भाई जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि जब कोई एक इंसान एक देश में रहता है, उसके साथ काम करता है, तो उसे वैसे सम्मान क्यों नहीं मिलता है जैसे बाकी लोगों को मिलता है। वो क्यों एक पराये देश से आया ही माना जाता है। कहानी में लोगों के बीच हो रहे मनोसामाजिक विभाजन का चित्र खींचा गया है। ये कहानी सांप्रदायिक मानसिकता को जड़ों से सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ उखाड़ने की कोशिश करती है। हमारे माननीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का जो विघटन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो निरंतर जारी है। इसमें दंगा या हिंसा और बलात्कार जैसी चीजें नहीं है। आम लोगों के दैनंदिन जीवन, सोच और व्यवहार में जो जहर घुला हुआ है, ये उसकी कहानी है। उस जहर के कारण कुर्बान भाई, जो एक बेहतरीन इंसान है, एक दिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुसलमान है। ऐसी सोच को गदर में दिखाया जा सकता है कि पहले जो पार्टीशन हुआ सो हुआ, लेकिन हर दूसरे इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर उसका बंटवारे निरंतर हो रहा है, अब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जैसे गदर की कहानी में दिखाया कि तारा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, उसकी लड़ाई सकीना के परिवार से थी, ना कि पाकिस्तान की आवाम से। तो ऐसे में गदर 2 में इस कहानी को लेकर इस तरह जाया जा सकता है कि सकीना के साथ तारा के देश यानी हिंदुस्तान में परायापन जैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वह एक मुसलमान है। तो इस कहानी को उस नजरिए से दिखाया जा सकता है कि जिस नजरिए की बात डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में की, ताली दो हाथ से बजती है। अगर जहर घोलने की गलती पाकिस्तान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। और ये कहानी बेशक गदर के तारा पर सूट करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गदर 2 की कहानी ऐसी हो सकती है? अब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी मूवी, क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपनी कई बड़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि कुछ मूवीज़ के लिए तो फैंस भी काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, स्पेशली SRK के कमबैक का। जहां एक तरफ वो अपनी 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रही हैं, वहीं सलमान खान भी Tiger 3 में हमें नज़र आने वाले हैं। साथ ही आदि पुरुष, एनिमल और Drishyam 2 जैसी मच अवेटेड फिल्में भी नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में आने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगला साल सच में बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ ही लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफ़ी लंबे समय के बाद हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक है गदर 2। 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और अब लगभग 2 दशकों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। हालांकि सनी देओल ऑलरेडी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं, घायल 2। 2016 में घायल 2 से सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर बुरी तरह फेल ही हो गई। और अब सनी पाटी फिर एक बार अपनी एक पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रही हैं, और इस बार वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी हाल ही में उनकी आने वाली ट्रिप मूवी के एक प्रेस मीट में उन्होंने अपनी गदर 2 को लेकर कुछ बातें साझा करी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो फिल्म को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज़्यादातर अपने एक्टर्स की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, बट उसका चलना सिर्फ एक बेटर स्टोरी पर डिपेंड होता है, और गदर 2 की स्टोरी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हम फिल्मों को सेकेंड पार्ट को लेकर मेस्ड अप कर देते हैं, बल्कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो बेशक हमें उस पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के लखनऊ स्केड्यूल को पूरा कर चुके हैं, और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में वो उसके अगले स्केड्यूल को स्टार्ट करेंगे, और दिसंबर तक वो उसे रैप अप कर देंगे।
लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी जताई है। उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेकर्स फर्स्ट मूवी को एक बार फिर रिलीज करें इसके सीक्वल के आने से पहले, जिससे नई जनरेशन को भी गदर एक प्रेम कथा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हालांकि अब मेकर्स दोबारा फिल्म को री-रिलीज करते हैं या नहीं, ये कहना अभी तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक बेशक नई जनरेशन को भी गदर जैसे मास्टरपीस को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फिलहाल मूवी अगले साल की शुरुआत में रिलीज की जाएगी और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप भी हमें कमेंट में बताएं कि गदर मूवी दोबारा रिलीज होनी चाहिए या नहीं। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। गदर होगी फिर से रिलीज, क्या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी फिल्म? क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? दोस्तों, जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि कुछ मूवीज के लिए तो फैंस भी काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, स्पेशली SRK के कमबैक का। जहां एक तरफ वो अपनी तीन बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, वही सलमान खान भी Tiger 3 में हमें नजर आने वाले हैं। साथ ही आदि पुरुष, एनिमल और Drishyam 2 जैसी कुछ मच अवेटेड फिल्म भी नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में आने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगले साल सच में बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ ही लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफी लंबे समय के बाद हमें थिएटर्स में नजर आएंगे, जिसमें से एक है गदर 2। 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब लगभग 2 दशकों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। हालांकि सनी देओल ऑलरेडी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं Ghayal 2। 2016 में आई Ghayal 2 से सभी को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर बुरी तरह फेल ही गई। अब सनी पाजी फिर एक बार अपनी एक पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रहे हैं और इस बार वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी आने वाली चुप फिल्म की एक प्रेस मीट में उन्होंने अपने गदर 2 को लेकर कुछ बातें साझा करी, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज्यादातर अपने एक्टर्स की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं, बट उसका चलन सिर्फ एक बेटर स्टोरी पर डिपेंड होता है और गदर 2 की स्टोरी को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम फिल्मों के सेकंड पार्ट को लेकर मेस्ड अप कर देते हैं, बल्कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो तो बेशक हमें उस पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के लखनऊ स्केड्यूल को पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में वो उसके अगले स्केड्यूल को स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक उसे रैप अप कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी बताई। उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेकर्स फर्स्ट फिल्म को एक बार फिर रिलीज करें इसके सीक्वल के आने से पहले, जिसे नई जनरेशन को भी गदर की प्रेम कथा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हालांकि अब मेकर्स दोबारा फिल्म को री-रिलीज करते हैं या नहीं, ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक नई जनरेशन को भी गदर जैसे मास्टरपीस को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फिलहाल फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज की जाएगी और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल ही जाएगा। पाकिस्तान की लड़की का कश्मीरी रोमांस, साथ रहने से बढ़ेगा प्यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही लड़ाई में अगर कोई स्टेट है जो फंसा हुआ है तो वो है कश्मीर। जहाँ कश्मीर को हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, वहीं ये जितना सुंदर है इसने उतनी ही ज्यादा लड़ाई और उतनी ही ज्यादा वॉर्स देखी है। और लगता है कि यही वजह है कि ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कश्मीर अपनी सुंदरता नहीं खोता है। एक बार फिर से कश्मीर की ये सुंदरता हमें दिखने वाली है गदर फिल्म के सीक्वल गदर 2 में। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ गदर फिल्म के साथ हमने देखा कि सकीना और तारा सिंह वापस भारत में घुस आते हैं और अपनी जिंदगी आगे जीते हैं, तो आपको बता दें कि गदर फिल्म के सीक्वल में उनकी इस जिंदगी का हमें एक नया पहलू देखने को मिलेगा। ये दोनों चले जाएंगे कश्मीर में रहने के लिए, जहां उनका बेटा जीते अब बड़ा हो चुका है और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंस माहौल और एक युद्ध को देखकर घबरा जाता है। भारत और पाकिस्तान के इसी युद्ध में बदल जाती है जीत की किस्मत।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1962 के वॉर की। तो कहानी है जीत की, जो एक बार घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो पाकिस्तान से भटककर भारत के बॉर्डर पर आ चुकी है, अधमरी सी पड़ी हुई है, वो उसे घर ले आता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। उसका साथ देते हैं तारा सिंह और सकीना, और कुछ समय के बाद जब लड़की होश संभालती है तो वो घर आ जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे देश में है जहां वो किसी को नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे जब वो ये देखती है कि तारा सिंह, सकीना और जीते तीनों ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो उसकी वो खुशी वापस आ जाती है। लेकिन अपने घर वालों की उस याद को वो भुला नहीं पाती, जिसकी वजह से जीते उसे वापस छोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इसी बीच कश्मीर के प्यारे बैकग्राउंड और सकीना और तारा सिंह के प्यार से उसका मन बदल जाता है और वो रह जाती है भारत में ही और बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए जीते की। तो दोस्तों, ये होने वाली है गदर 2 की कहानी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी में आने वाले हैं और ट्विस्ट, और इन्हीं ट्विस्ट को देखने के लिए हम कर रहे हैं गदर 2 की रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। आज के लिए यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। लगे गदर 2 बनने में इतने साल, इस बार कौन होगा मूवी का विलन? कौन बनने वाला है सनी पाजी के पाकिस्तान जाने की वजह? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 15 जून 2002 इतिहास में एक ऐसी खास तारीख है जो कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। इस दिन गदर मूवी रिलीज की गई थी, जिसमें सनी देओल को हमें इंडिया पाकिस्तान की जंग के सिलसिले में देखा और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। इस मूवी ने अपने फैंस के दिलों पर घर कर लिया था। हर हिंदुस्तानी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही बेताब रहता था, यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोग भी शहर आकर ये मूवी देखा करते थे और घंटों थिएटर के आगे टिकट के लिए लाइन लगाकर वेट किया करते थे कि अब हमें मूवी देखने को मिलेगी। गदर मूवी ने साल 2002 में अपनी छाप सबके दिलों में छोड़ी थी, जिस वजह से आज वो इतिहास की सबसे यादगार और फेमस मूवी है। अनिल शर्मा, जिन्होंने बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी दी है और गदर मूवी को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बनाया है, उनका कहना था कि गदर एक ऐतिहासिक मूवी है और इसको दूसरे पार्ट में दिखाना बहुत ही सीरियस और टास्कफुल है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बीच के मसले आम नहीं है। दो देशों की दुश्मनी यूं बेबुनियाद नहीं है कि मूवी को बिना सोचे समझे कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मूवी के सेकेंड पार्ट के लिए इतना सारा वक्त लिया और फाइनली रेडी है अब रिलीज होने के लिए हमारे सनी देओल की फेमस मूवी गदर 2। गदर मूवी में अमीषा पटेल सनी देओल की वाइफ के तौर पर नजर आएंगी और उनके बेटे के रोल भी उत्कर्ष शर्मा ही करेंगे, जिन्होंने बचपन में तारा सिंह के बेटे का रोल प्ले किया था। इस बार गदर 2 में विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। अनिल शर्मा कहते हैं कि जीनियस मूवी में नवाजुद्दीन जी ने बहुत ही तगड़ा और सुपरहिट रोल किया था, जिसे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उत्कर्ष शर्मा और नवाजुद्दीन जी एक साथ जीनियस मूवी कर चुके हैं, तो दोनों के लिए गदर 2 करना एक्साइटिंग और कंफर्टेबल रहने वाला है। फिल्म में इस बार भी तारा सिंह जाएंगे पाकिस्तान अपने बेटे को बचाने, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान आर्मी के हाथों लग जाते हैं। पहले अपनी पत्नी के लिए तारा पाकिस्तान गए थे और अब अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे और गदर मचा के आएंगे। तो है फिल्मों में अलगना, क्या है मतलब सकीना का, कौन सी छोटी चीज को डिफाइन किया गया था? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, दिस इज रिया। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। हर एक इंसान उसके एक अलग नाम से पहचाना जाता है और उसे
उसके ही नाम से बुलाया जाता है। हम सभी के पास अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग लुक्स है, अलग अलग नाम है जिसे हम पहचाने जाते हैं। ऐसा ही होता है कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हर एक फिल्म, हर एक वेब सीरीज में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम अलग होते हैं, ऐसा क्यों? तो आप सभी को ये बता दें कि जब भी कोई फिल्म का राइटर फिल्म की कहानी को लिखने लगता है तो उसके दिमाग में वो कहानी अपने आप स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है। यूं कहें कि वो उस कहानी को फील करने लगता है, और जब भी वो राइटर उस कहानी को फील करने लगता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के हर एक कैरेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे समझो कि कोई फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है जैसे कि चाय वाला या पान वाला, तो फिर उस हर सभी कैरेक्टर्स में ऐसे राजू या श्यामू करके ही चाय वाला या पान वाले के नाम होते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वीट पर्सनालिटी होती है, कहां उनको कोई जंग लड़ने जाना होता है। तो इसीलिए हर किसी फिल्म में, हर एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर को उसके क्वालिटी के हिसाब से ही उसे नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है अमीषा पटेल, जो कि गदर 2 फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस है, तो उसी के नाम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। देखिए ना, अगर हम कभी भी अमीषा पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक खूबसूरत लंबे बालों वाली और स्वीट सी लड़की की छवि आ जाती है। और गदर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की रहती है, फिर बाद में वो सिकनी बन जाती है, इसलिए फिल्म में उनका नाम भी कुछ इस तरह रखा गया जिससे वो फिल्म में सिकनी भी लगे और मुस्लिम भी। और वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनालिटी को गौर किया जाए तो फिल्म में अमीषा पटेल का काफी शांत और काफी चुलबुला और मिजाज लड़की का कैरेक्टर है, जहां वो सबकी मदद करती है। और अगर अब अमीषा के इस फिल्म के रियल लाइफ के नाम के मतलब पर गौर करें, जो कि सकीना है, सकीना का मतलब होता है आराम, शांति, सरलता, गरिमा और भगवान की उपस्थिति होना। तो वही हमें अमीषा के सकीना वाले रूप में हमें दिखा था। और अब क्योंकि इस फिल्म में सकीना यानी कि अमीषा पटेल, जो कि गदर 2 फिल्म में हमें सकीना के रोल में देखने मिल रही है, वहाँ उनका सेम नेम होगा और उनका सेम नेचर भी हो सकता है। तो वही दूसरी ओर बात करें उनके लुक की, तो उनका लुक भी उनके नाम की तरह ही काफी सिंपल तरह का डिफाइन किया जाएगा। और वही वो गदर पार्ट 1 में वो सिंपल ट्रेडिशनल लुक में दिखी थी, सलवार सूट में, तो वही वो गदर 2 की शूटिंग के वक्त हुई पिक्चर्स लीक, जहां वो नजर आ रही थी सेम ट्रेडिशनल सिल्वर सलवार। बता दें इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा हमें मेन लीड्स की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है 2023 में ये इस फिल्म को रिलीज किया जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर? सच्चा घूमता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो, मुंबई चा बाहर निकाला ना पाजे। उसका धर्म सिर्फ पैसे। बाथरूम में क्यों छोड़ दिया था सनी ने गदर फिल्म के लिए मिला अवार्ड? किस वजह से नहीं किया था गदर को अवार्ड लिस्ट में शामिल? क्या एडवाइस दी है अनिल शर्मा को गदर 2 के लिए? सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ साथ बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए भी काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनते। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अब तक गदर, घायल, त्रिदेव सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी को फिल्म जगत में एक एक्शन अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। सनी ने अपनी फिल्म गदर में तो पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप ही उखाड़ दिया था। उनके साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने काम किया था। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन इस फिल्म के लिए अवार्ड लेने एक फंक्शन में पहुंचे सनी देओल ने कुछ ऐसा किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल सनी देओल को फिल्म गदर के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चाइंस अवार्ड को सम्मानित किया गया था, लेकिन सनी को ये अवार्ड पसंद नहीं आया था और वो अवार्ड को बाथरूम में छोड़कर ही चले गए थे।
वैसे सनी देओल सहित बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अवार्ड्स मिलने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। सनी देओल की तरह उनके पिता धर्मेंद्र को भी अवार्ड्स पसंद नहीं। चलिए जानते हैं कि बाथरूम में अवार्ड छोड़ने की सनी की क्या वजह थी। जी टेलीविजन के पूर्व CEO संदीप गोयल ने अपनी किताब ऑनेस्ट टू गॉड में इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार सनी ने अपना अवार्ड बाथरूम में क्यों छोड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि साल 2001 में आई फिल्म गदर का निर्माण जी टेलीफिल्म्स ने ही किया था। इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन भी जी ने ही करवाया था। हालांकि जब फिल्मों में अवार्ड देने की बारी आई तो लिस्ट में आमिर खान की फिल्म को शामिल किया गया, लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर इस लिस्ट से बाहर थी। दरअसल जी ने इस सनी देओल की फिल्म गदर का निर्माण किया था और यही वजह थी कि फिल्म को इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आमिर खान की फिल्म लगान को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी के साथ आमिर खान को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। सनी देओल भी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे और उनके सामने ही ये अवार्ड आमिर लेकर जा रहे थे। जी टेलीफिल्म्स के पूर्व CEO संदीप गोयल ने अपनी किताब में ये बताया है कि सनी देओल जब इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया कि उन्हें इस शो में बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। संदीप गोयल का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सनी देओल के लिए एक खास अवार्ड रखा गया था। उनका ये अवार्ड बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड था। इस अवार्ड को लेने के लिए सनी देओल मंच पर आए भी, लेकिन उन्हें अवार्ड लेने के बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। डॉक्टर संदीप ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें शो के बाद ये सूचना मिली कि सनी देओल अपना अवार्ड बाथरूम में ही छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि सनी देओल ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी और सनी देओल की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। संदीप गोयल की किताब के अनुसार सनी देओल को उसी वक्त से अवार्ड फंक्शन और अवार्ड देने की इस प्रक्रिया से नफरत हो गई और यही वजह है कि वो अब किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होते। वैसे सनी देओल के साथ आमिर खान और कंगना जैसी कई सितारे हैं जो अवार्ड मिलने में यकीन नहीं रखते। अगर ऐसा ही रहा तो क्या सनी की फिल्म गदर 2 अपनी नई कहानी नई कास्ट के लिए अवार्ड ले पाएगी? जो दुख सनी को गदर की पहली फिल्म में हुआ, क्या अब की बार ये घाव पर मरहम लगा पाएगा? आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि मरहम लगा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम फिल्म को अवार्ड ना मिलने की गहरी दो वजह थी। एक तो इसकी कहानी जिस पर पहले ही मूवी बनाई जा चुकी थी और दूसरी वजह थी आमिर खान। जी हाँ, क्योंकि गदर के साथ लगान भी रिलीज हुई थी। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि अनिल शर्मा ये गलतियां दोहराएंगे नहीं, क्योंकि गलतियां सीखने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। अब जब भी गदर 2 सिनेमा पर आए तो एक ओरिजिनल कहानी के साथ आनी चाहिए और साथ ही जब अनिल इसकी रिलीज डेट फाइनल करेंगे तो ध्यान रखें कि आसपास इनकी कास्ट और कहानी को टक्कर देने वाला कोई नहीं हो। अब ये मत कहना आप लोग कि अनिल शर्मा की कहानी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता या उनकी कहानी के आगे सब पानी भरते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार जोश से नहीं होश से काम कर लेना पड़ता है। अगर अवार्ड विनिंग फिल्म बनानी है तो ये सब सोचना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल शर्मा को हमारी तरफ से दी गई एडवाइस गलत है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप सही कर दीजिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। कौन कर रहा है काले कावा का रिक्रिएशन? क्या बॉलीवुड किंग बनना चाहते हैं सनी देओल? ऐसा कौन है सनी पाजी के करीब जो कराएगा गदर 2 को हिट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो को। उड़जा काले कावा एक ऐसा गाना है जिसने साल 2002 में हर किसी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। अपनों से बिछड़ जाने का दुख, दर्द और लौट आने की उम्मीद इस गाने की आत्मा में बसी है। ये गाना 2002 में मूवी रिलीज होने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लोगों की जुबा पर राहों पर चलते ये गाना सुनने में आ जाया करता था। इस बात का खास ख्याल रखते हुए अनिल शर्मा और सनी देओल ने डिसाइड किया है कि गदर 2 में ये जुदाई का सॉन्ग भी दोबारा ऐड किया जाए। उड़जा काले कावा का रिक्रिएशन इस मूवी में देखने को मिलेगा।
गाने में नई फ्रेशनेस और फील लाने के लिए इसे हाई बजट और इमोशन बेसिस पर शूट किया जाएगा, जिसके लिए जुबिन नौटियाल को चुना गया है। जुबिन बहुत ही फेमस और रोमांटिक सॉन्ग गाने वाले मशहूर सिंगर हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही फैंस का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उनकी मीठी आवाज़ में ये गाना सुनना बहुत ही मज़ेदार और इमोशनल रहेगा। साथ ही बता दें कि बीजेपी के मेंबर बनने के बाद और इलेक्शंस में जीतने के बाद सनी देओल ने लॉकडाउन के रहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक किया है। इस कमबैक की वजह ये रही है कि वो एक एक्टर होना बहुत ही मिस कर रहे हैं। शूटिंग, एक्टिंग, लाइटिंग, कैमरा और उनके धमाकेदार डायलॉग्स और एक्शन मूवीज को वो बहुत मिस कर रहे थे। और गदर 2 की बात जैसे ही उन तक लाई गई तो उन्होंने इस मौके को गवाने की बजाय इस मौके का स्वागत किया और मूवी को बनाने में लग गए। सनी देओल ने अपने फैंस का दिल जीता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान एज एन एक्टर कभी भूली जाए। फिल्म की मेकिंग के दौरान एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सनी पाजी के चहेते और सबसे करीबी दोस्त टीनू वर्मा जी हैं, और वो इस मूवी को बेहतर बनाने के लिए सनी पाजी का साथ देने वाले हैं। उनका कहना है कि एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा। सनी देओल के लाइफटाइम करियर और उनकी लाइफ में इनका बहुत ही खास योगदान बताया जाता है। उन्होंने सनी पाजी की फिल्मों में काम किया है, उनमें से एक थी 2001 की मूवी गदर एक प्रेम कथा। मूवी के हर एक्शन सीन्स और सही और दमदार होने का क्रेडिट आज भी सनी देओल टीनू जी को ही देते हैं, क्योंकि सारे स्टंट और एक्शन रोल्स इन्होंने अपने तरीके से संभाले और किए थे। और इस बार भी विशेष भूमिका सनी देओल के ये खास दोस्त टीनू वर्मा निभाने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस फिल्म की कहानी, कौन करेगी इस फिल्म को डायरेक्ट, क्या ये फिल्म इस जनरेशन को पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म गदर 2 अनिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म है। अनिल शर्मा की इससे पहली फिल्म थी जीनियस। अनिल शर्मा अपने साथ ला रहे हैं गदर 2, जो कि गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल रहने वाली है। इस फिल्म में गदर के एंड 20 साल बाद क्या हुआ ये दिखाया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है और इस फिल्म में हमें अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी में शकीना उर्फ अमीषा पटेल को लैकमाइन हो जाता है और इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं होता, इसलिए तारा सिंह शकीना को लेकर लंदन जाते हैं। वहां तारा को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर खबर आती है कि तारा की माँ को किसी ने जहर देकर मार दिया है और बाद में शकीना भी मर जाती है, जिससे तारा सिंह को शक होता है कि कहीं किसी ने शकीना को जहर देके तो नहीं मारा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना होगा। इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज सनी देओल ने 2020 में की थी। सनी और अमीषा के फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इस फिल्म का सीक्वल काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म इंडिया पाक के पार्टीशन के दौरान बनाई गई थी। उस समय लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था और ये फिल्म भी सबको इमोशनल कर देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और काफी अच्छे कलेक्शन किए थे। और अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म इस टाइम पे 300 करोड़ के ऊपर जा सकती है। गदर एक प्रेम कथा ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। इस फिल्म की वजह से पूरे कास्ट और क्रू का करियर चेंज हो गया था, और खास करके सनी देओल और अमीषा पटेल, क्योंकि उन्हें 50 लड़कियों में से इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। अमीषा पटेल की ये फिल्म काफी समय बाद आ रही है, इसलिए देखना ये होगा कि अमीषा फिर से इस फिल्म में अपने किरदार पर कितना खड़ी उतरती है या नहीं। ये फिल्म 2022-23 में रिलीज हो सकती है। पेंडेमिक के कारण इस फिल्म की शूटिंग में थोड़ी देर हो गई। ये फिल्म भी जी प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस करेगी और पहली फिल्म के सक्सेस के बाद इस फिल्म का बजट और भी बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देगी, कौन इस फिल्म में विलन होगा और कौन इस फिल्म में एज कैमियो करेगा। लेट अमरीश पुरी ने इस फिल्म के सीक्वल में काफी अच्छा रोल किया था और ये अपने नेगेटिव रोल के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। क्या 1971 में मेजर जनरल ने खुद अपनी टांगे काटी थी? क्या उत्कर्ष शर्मा भी मेजर जनरल के रोल में नजर आएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। 2001 में मूवी आई थी, नाम था गदर एक प्रेम कथा।
वो कहते हैं ना कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितना इस मूवी ने गदर मचाया आज तक किसी मूवी ने नहीं मचाया था। अगर आज के समय से गदर की कमाई को तोला जाए तो मूवी ने 500 से ऊपर की कमाई की थी। अब इसका सीक्वल आ रहा है और दोबारा से गदर मचाने के लिए बेताब है। 2001 में आई मूवी की कहानी साल 1947 भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बेस्ड थी, तो वहीं अब खबर आ रही है कि सीक्वल की कहानी साल 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुए रिवॉल्ट के बैकग्राउंड पर होगी। जहां पहले पार्ट में सनी अपनी प्रेमिका के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहीं इस बार तारा सिंह का बेटा यानी जीते भी दुश्मन का रास्ता लांघ कर तारों के नीचे से घुसेगा पाकिस्तान में, लेकिन प्यार मोहब्बत इश्क के लिए नहीं बल्कि अपनी धरती माँ अपने देश के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में रहेगा। और ऐसा ही कुछ 1971 में एक मेजर आर्मी ने किया था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेकर्स इतने इंस्पायर्ड हो गए इस कहानी से और बना डाला गदर 2। हाँ, ये इस बारे में बड़े विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि रियल वाले मेजर का रोल क्या प्रॉपर तरह से अदा कर पाएंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। 16 दिसंबर का दिन भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वहीं पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि बांग्लादेश नाम का एक अलग देश का जन्म हुआ, जिसे उस समय पर ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इसी लड़ाई में एक मेजर जनरल था जिसे युद्ध के दौरान पैर में गोली लग गई थी और ऐसी नौबत आ गई थी कि उसे अपने पैर को काटना पड़ा। अगर पैर नहीं काटते तो जान निश्चित थी। और इस जनरल मेजर का नाम सगत सिंह था और सगत सिंह का रोल अदा करने वाले उत्कर्ष शर्मा मूवी में ये खुद अपनी एक टांग को काटते नजर आने वाले हैं। मतलब जब हम इस तरह के सीन्स बस पर्दों पर देखते हैं तब हमें गूजबम्स आ जाते हैं, दिल दहल सा जाता है, लेकिन जिस पर ये बीतती है वो कैसे खुद को संभालता होगा, वरना यहाँ हल्की सी उंगली कटी नहीं कि लोग राय का पहाड़ बना देते हैं। और सगत सिंह ने भारत माता के लिए इतना कुछ किया, इन सब कहानी को अनिल शर्मा अपना टच देकर मूवी बनाने की तैयारी में है। ऐसे अभी तो मूवी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है कि कब रिलीज होगी या मूवी का ट्रेलर कब आएगा। बस इतना पता चल पाया है कि मूवी की 80% शूटिंग हो चुकी है और जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगी तब उसके अगले महीने तक मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। वेल, दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या उत्कर्ष शर्मा बखूबी निभा पाएंगे सगत सिंह का किरदार? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इतने दिन तक चलेगा गदर 2 में रिवॉल्ट, कितने लोग शामिल होंगे इस रिवॉल्ट में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी है और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपंप नले टांग कर सभी संभाल के रख ले, कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रख ले, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाला है। क्यों? क्योंकि गदर 2 आ रही है। बता दें दर्शकों, इस बार की गदर 2 1971 के इंडिया और पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है और इस मूवी में तारा सिंह का बेटा आर्मी मैन बना है जो पाकिस्तान से अपने इंडिया को बचाएगा। मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि जीते अपनी बाकी आर्मी फोर्सेस के साथ रिवॉल्ट करने वाला है। अगर एक्चुअल वॉर की बात करें तो ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और ये इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है। लेकिन इसी 13 दिन में जीते को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो ये कि जीते को पाकिस्तान जाना होगा तारों के नीचे से और पाकिस्तान जाकर वो एक खुफिया एजेंट की तरह रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री बैटल 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पर लाकर उसके 93,000 सैनिकों को कब्जे में लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। ईस्टर्न पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मैसकरे को ख़त्म करने के लिए इस युद्ध में भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए।
साथ ही साथ पाकिस्तान के 8,000 सैनिकों की मौत हुई। युद्ध के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली और ये सब कुछ गदर 2 में भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 3,000 से भी ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक दो देशों के बीच बैटल है। तो मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बैटल का हिस्सा बनाएं, तब जाके एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग आएगी। गदर 2 के मेकर्स इस बार पहली गदर से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब भी किसी मूवी का सीक्वेंस आता है तो मेकर्स पर ज़्यादा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि फैंस और भी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस तब और बढ़ जाती है जब सीक्वेंस की पहली फ्रेंचाइजी ब्लॉकबस्टर रही हो, तो ये ऑब्वियस है कि फैंस को दूसरे पार्ट से तो उम्मीदें भरपूर होगी। तो बस मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा पूरी एरी चोटी का दम लगा रहे हैं मूवी को फैंस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतारने के लिए। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम कहाँ भागे जा रहे, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्या टिप दी थी नवाज ने गदर 2 के हीरो को? क्यों छोड़ना पड़ा था उत्कर्ष को गदर 2 के लिए देश? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. Director Anil Sharma की फिल्म गदर को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल हमें दिखाई दिए थे, साथ ही साथ ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। लोगों को इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया, जो दर्शकों को खूब भाया। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे थे चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा। मूवी में उत्कर्ष शर्मा का नाम चरणजीत था और लोगों को इनका किरदार खूब पसंद आया था। उत्कर्ष शर्मा अब 27 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम दिखते हैं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दे कि उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर फिल्म का असर ऐसा था कि इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल के करियर को एक बड़ा उछाल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा था? तो वो थे उत्कर्ष। उत्कर्ष ने इस फिल्म से जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो अनिल शर्मा ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। वो वहाँ पे 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। फिल्म जीनियस से उन्होंने डेब्यू किया, बट फिल्म से कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अब उत्कर्ष जल्द ही गदर 2 के सीक्वल में हमें नजर आने वाले हैं। एक सैनिक की भूमिका में उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम तो उत्कर्ष को सोल्जर के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या गदर की रियल स्टोरी पर ये बेस्ड है गदर 2? गदर 2 की कहानी कैसे मिलती है बजरंगी भाईजान की कहानी से? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत ही चर्चित फिल्म थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे। वहीं इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे लव स्टोरी पर बेस्ड थी। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, जो एक असली कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। ये वही समय है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बता दे, एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पे पड़ती है, जो भागी दौड़ी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की बूटा सिंह से मदद मांग रही थी। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में था। जब उस लड़की को फिर उस बूटा सिंह से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पाकिस्तान जा चुकी जैनब के घर वाले को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी और दर्दनाक मोड़ तब ले लेती है
जब बूटा पाकिस्तान पहुंच जाता है जैनब से मिलने, वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। वहां पे बूटा उसे काफी मिन्नतें करता है उसके साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, पर जैनब उसे मना कर देती है। जैनब के ना कहने से टूटा बूटा लाहौर के ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गदर की कहानी को रियल कहानी से हटकर बनाने के लिए इसमें तारा को फौजी नहीं बनाया गया और न ही सकीना की जैनब की तरह दूसरी शादी करवाई गई। गदर में प्यार और फैमिली के लिए सारी हदों को पार करते हुए दिखाया गया है। गदर 2 जब आ रही है तो उसमें उत्कर्ष उर्फ जीते एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर ये कहीं ना कहीं लग रहा है गदर 2 की कहानी भी पहले पार्ट से इंस्पायर्ड है। गदर 2 की कहानी की शूटिंग हिमाचल में स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि पहले पार्ट की कहानी में बूटा सिंह एक सैनिक था और अब उत्कर्ष एक सैनिक है। तो इस कहानी में ये हो सकता है जब वॉर के टाइम जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान रह गए थे, उन्हें जीत एक अच्छे सिपाही की तरह वापस उनके देश छोड़ कर आएगा और वहाँ पहुँच कर जीते को खुफिया जासूस समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बजरंगी भाईजान में, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, अगर बजरंगी भाईजान के पास देश का साथ था तो जीत के पास उसके पिता का साथ है और उनके पिता का किरदार निभाने वाले हैं सनी देओल। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब पाकिस्तानी सरकार को ये पता चलेगा कि तारा कोई आम इंसान नहीं है, ये वही सकीना का पति है जो उसे सरकार के नाक के नीचे से ले गया था और अब तो बात उसके बेटे की है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभिनेता तो सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोग ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है, जो कि है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म की पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की, उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा से। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पाजी आप जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है तो यह पालनपुर के एक छोटे से गाँव भलेड़ में हो रही है, जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की, लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया था, लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई है और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्ट्रेस की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों भी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वाकई फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर और उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल 2 की कहानी हो गई है लीक। क्यों जाएंगे आखिर तारा पाकिस्तान? क्या होगा फिल्म में जीते का रोल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल सिर्फ 2 ही चीजें चर्चा में है, एक कोरोना का सेकेंड पार्ट ओमिक्रॉन
और गदर का दूसरा पार्ट गदर 2। तो बस बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी चर्चाओं को बरकरार रखते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे, जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर के पहले पार्ट में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वो दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 और 1971 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। 1971 के भारत पाक युद्ध का पहला बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही बो दिया गया था। अब तारा और जीते सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। गदर के पहले पार्ट में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों गदर 2 में अनिल शर्मा 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई दिखाने वाले हैं। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी, क्योंकि तारा का बेटा जीते हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान में फंस जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में कई बार हो चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग जीते को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कोई जासूस है। पाकिस्तानी सरकार अपनी सुरक्षा को देखते हुए जीते के साथ बुरा व्यवहार करेगी, जो उसके पिता तारा को पसंद नहीं आएगा, और बस जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो अपने बाप बेटे के रिश्ते को पहले भी फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वो एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं, हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट में बता दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हसीन वादियों में कैसी नजर आई सकीना, कौन सा वीडियो शेयर किया अमीषा ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल और आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राज्य है जहाँ की झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों का बहुत ही आकर्षित करते हैं। ये एक बेहद ही पसंदीदा स्थल है जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह जहाँ आप धरती पर तो होंगे लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर होगी। यहाँ की हसीन वादियाँ, खुला आसमान में गदर 2 शूटिंग चल रही है। तो चलिए अब हसीना सकीना की हिमाचली अंदाज वाली वीडियो पर आते हैं और बताते हैं कि उनकी वीडियो में क्या क्या दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी मूवी गदर 2 के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में शूटिंग कर रही है। गदर 2 में एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आने वाली है। मूवी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक्टर सनी देओल भी उनके साथ समय पालमपुर में है। इस दौरान अमीषा पालमपुर की प्राकृतिक खूबसूरती देख बेहद एक्साइटेड है। पालमपुर के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से अमीषा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यहाँ के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। अमीषा पटेल ने ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पालमपुर की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते बन रही है दर्शकों। वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा है, पालमपुर की सुबह एक वीडियो जरूर डिजर्व करती है। 6:40 प्रकृति की सुंदरता, कम तपाती ठंड लेकिन बेहद शांत। इस वीडियो में अमीषा किसी पूल पर खड़ी सामने झरझर बहती पानी और खूबसूरत वादियों को निहार रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे रही है। फैंस इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए पालमपुर की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय बाद अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अमीषा मूवी गदर 2 के दूसरे कलाकारों के साथ पालमपुर में शूट कर रही है। वही इस मूवी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल मूवी की शूटिंग पालमपुर के जिस घर में हुई है, वहाँ पर पैसे के लेन देन को कुछ विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शूटिंग के दौरान वहाँ पर एक चाय के बागान को नुकसान पहुँचाया गया है। वहीं घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, साथ ही उनकी अनुमति के बिना ही घर के दूसरे हिस्से में शूटिंग की गई है। वेल दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। पहले ही क्यों गदर टू फंसी विवादों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, बॉलीवुड के हिट एंड फिट एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई है। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पालमपुर के पास स्थित भलेर गांव में इस फिल्म का शूट जारी है। दरअसल कांगड़ा में पालमपुर के भलेर गांव के जिस मकान में गदर 2 की शूटिंग चल रही है, उसके मकान मालिक ने फिल्म के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया है। घर के मालिक का आरोप है कि जितना पैसा कंपनी द्वारा शूटिंग के बाद दिया जाना था, उसे देने के लिए कंपनी अब मना कर रही है। यही नहीं, मकान मालिक ने ये भी दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कमरे और 1 हॉल का इस्तेमाल किए जाने की बात हुई थी, जिसका किराया 11,000 प्रतिदिन तय हुआ था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म के लिए पूरा घर ही बिजी कर दिया। उन्होंने शूटिंग के लिए फिल्म का पूरा घर बिजी किया, 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए यूज किया, और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब घर के मालिक ने पूरा बिल यानी कि 56 लाख रुपए बनाकर, जिसमें उसने अपना नुकसान भी ऐड किया था, वो मेकर्स को दिया। मेकर्स भी बौखला गए, ये क्या हो गया। वहीं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। मूवी में दोनों ही स्टार्स ने लीड रोल प्ले किया था और अब गदर 2 में भी वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का सालों से इंतजार था। जब रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, उसके साथ लगान भी रिलीज हुई और लगान को भी पीछे छोड़ दिया था गदर 2 ने। गदर के डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी सबकी जहन में जिंदा है। चलिए उन डायलॉग के बारे में आपको बता देते हैं। जब सनी देओल कहते हैं, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चों को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। वहीं ये डायलॉग अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वहीं एक डायलॉग में सनी देओल बोलते हुए नजर आते हैं, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। वहीं ये डायलॉग सुनिए, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपकी छत पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस डायलॉग से सभी के गूज़बम्प्स उठ गए थे। वहीं दोस्तों एक डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। और जब सनी देओल जोश और जुनून के साथ ये डायलॉग बोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब गदर 2 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कितना वेट करें गदर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसा रहा है अमीषा पटेल का करियर ड्रॉप? किस फिल्म के बाद फ्लॉप रही उनकी फिल्में? क्या गदर 2 नहीं करना चाहती थी अमीषा? सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट यानी कि गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उस समय ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। सेट से सामने आई फोटोज में सनी और अमीषा गदर 1 जैसे लुक्स में ही नजर आ रहे हैं। इसका पहला सीन सनी पर ही फिल्माया गया था। फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा लंबे समय बाद यानी लंबे ब्रेक बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है। अमीषा शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली 2 फिल्मों से जितना स्टारडम कमाया है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में नसीब किया है। आज हम आपको अमीषा के बदलते हुए लुक्स और करियर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अमीषा पटेल ने 18 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। गदर ने उनके करियर में ऐसे 4 चांद लगा दिए मानो पूछो ही मत। 12 घंटे ऑडिशंस देने के बाद अमीषा को गदर पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल किया गया था। हालांकि साल 2002 के बाद अमीषा का करियर ग्राफ लगातार गिरता ही गया। फिल्मों में सादे अंदाज में नजर आने वाली अमीषा असल जिंदगी में काफी बोल रही हैं। आजकल वो कई स्कूलों में एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स में अवार्ड गिविंग इवेंट्स और कभी कभार बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अमीषा को फिल्म पाने और लाइमलाइट में रहने के लिए बोल्ड फोटोशूट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके अलावा अमीषा कई बार धोखाधड़ी के मामले में भी फंस चुकी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनके लिए फैंस का प्यार वो कभी कम नहीं हुआ, चाहे जो हो जाए। फैंस हमेशा ही इस इंतजार में थे कि अमीषा एक दिन उन्हें गदर जैसी फिल्म में वापस दिखाई देंगी, वही जादू बिखेरेंगी वही जुनून के साथ।
तो आप देखिए मेकर्स और अमीषा ने उनके फैंस की पुकार फाइनली सुन ली और अमीषा गदर 2 जैसी क्या गदर 2 ही में ही वापस आ रही है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गदर 2 के लिए अमीषा ने एकदम से हामी या नहीं भरी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस बार फैंस उन्हें पिछली बार जितना प्यार नहीं देंगे और ये फिल्म के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमीषा फिल्म का हिस्सा भी बनी और शूटिंग भी शुरू कर दी। अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए एक्साइटेड है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ, यानी कि बॉलीग्राड स्टूडियोज को फटाफट सब्सक्राइब करना है और इसके अगले पार्ट के आने का इंतजार करना है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी एक्ट्रेस और उनके उस किरदार के बारे में जो पिछले 20 साल से उनके अंदर है और उसे दोबारा जीने के बाद वह बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही है। अरे आपने अभी तक नहीं पहचाना, वही जिनको लेने के लिए फिल्म में उनके पति पाकिस्तान तक चले गए थे। जी हाँ, अब सही पहचाना है आपने, हम बात कर रहे हैं गदर 2 की लीड एक्ट्रेस यानी कि अमीषा पटेल की। तो अमीषा का कहना है कि जब गदर 2 के सेट पर पहली बार उन्हें सकीना की कॉस्ट्यूम मिली तो वो बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही थी और यहाँ तक कि जब फिल्म की पूरी टीम एक साथ काम करने आई तो सेट पर नॉस्टैल्जिया सा घूम रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे फिर से यह किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में काफी कम ही होता है। और इतना ही नहीं, लोगों के दिल में गदर के सारे किरदार ऐसे बसे हुए हैं कि वो बिल्कुल बेताब है यह जानने के लिए कि इन सालों में तारा सिंह और उसके परिवार में क्या हुआ। अमीषा का मानना है कि गदर मुगले आजम, शोले और टाइटैनिक आइकॉनिक फिल्मों में आई है। हालांकि उन्हें कभी दूसरा चांस नहीं मिला और उनका दूसरा पार्ट भी नहीं आया, लेकिन हमें मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आपको बता दें कि पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा जोश में है और पैशनेट भी। वहीं जी स्टूडियो फिर से गदर को प्रोड्यूस कर रही है, जिन्हें अनिल सर और फिल्म पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वहीं गदर 2 को देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि 20 साल के गैप के बाद वह इस फिल्म को देखने आए हैं। इस फिल्म में कमाल के डायलॉग्स होंगे, कॉमेडी होगी, गाने होंगे और बहुत कुछ। आपको बता दें कि एक ऐसा सिनेमा जो कि काफी सालों से मिसिंग था, गदर 2 से वही सब वापस लौटने वाला है। तो दोस्तों, अमीषा की ये बातें सुनकर हम तो ऐसी और बातें जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। क्या आप भी जानना चाहते हैं फिल्म से जुड़ी ऐसी ही और दिल? 6 साल की उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है? कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल? आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया, एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी माँ शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी। मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं?
जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था जिसका नाम है उड़ जा काले कावा। इस गाने के लिए उदित के साथ साथ अलका को भी खूब सराहा गया था। अब आपको बता दे कि 2001 की सुपरहिट फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है जिसमें सनी देओल के बेटे करण देओल और सारा अली खान मुख्य भूमिकाओं में होंगी। गौरतलब है कि ओरिजिनल फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य किरदारों में दिखे थे। फिल्म से जुड़ी बाकी की जानकारी भी हम आपको जल्द ही देंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहना होगा। अगली वीडियो में हम आपको अलका के गाने और उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे भी करने वाले हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। आखिर कौन नजर आने वाला है हमें गदर के सीक्वल गदर 2 में? फिलहाल कौन से फिल्म पर काम कर रहे हैं गदर 2 के डायरेक्टर? आखिर कौन था वो बच्चा जिसने तारा और सकीना के बेटे का रोल निभाया था? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, गदर 2 के बारे में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं गदर मूवी से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुने फैक्ट्स के बारे में। बता दें दोस्तों कि 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिफ हैं? नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। तो दोस्तों, ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। दोस्तों, ऐसे बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान आ चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। दोस्तों, आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और उसे ये पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। दोस्तों, बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहट बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। अब दोस्तों, बात करें गदर 2 के सीक्वल के बारे में, तो साल 2001 में धमाका करने के बाद एक बार फिर सनी देओल के दमदार देशभक्ति अवतार को देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दोस्तों निर्माताओं ने गदर फिल्म का सीक्वल बनाने की दिशा कदम बढ़ा दिए हैं।
बता दे दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनिल शर्मा, जो फिलहाल अपने 2 पर काम कर रहे हैं। बता दे दोस्तों साथ ही कि आपको गदर 2 में वही सेम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी जो आपने गदर में देखी थी, यानी कि तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारा और सकीना का बेटा असल में डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा है, जो अपना बॉलीवुड डेब्यू 2018 में कर चुका है। तो दोस्तों अब देखना बहुत रोमांचक होने वाला है कि क्या गदर 2 भी गदर की ही तरह गदर मचाने वाली है या नहीं, और आपको क्या लगता है इस बारे में हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और गदर 2 से क्या है उनका कनेक्शन? बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज हम बात करेंगे उदित नारायण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट के बारे में। आपको बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार उदित नारायण पिछले कई दशक से अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हर उम्र के लोग उनके गाने के दीवाने हैं और वो रोमांटिक गाने के लिए भी जाने जाते हैं। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था। उनके पिता एक नेपाली हरेकृष्ण झा थे और माँ भारतीय भुवनेश्वरी झा थी। शायद ही ये बात आप जानते होंगे कि उदित नारायण ने अपने करियर की शुरुआत नेपाली फिल्मों से की थी। हालांकि जब वहाँ बात नहीं बन पाई तो 1978 में वो मुंबई चले आए। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म 19-20 से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इससे भी उन्हें पहचान नहीं मिली और 10 सालों तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें पहचान आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली। और फिर क्या, उन्होंने इस फिल्म के गाए गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और इस फिल्म के बाकी गाने उन्होंने अलका याग्निक जी के साथ गाए हैं। इसके बाद तो 90s और 2000s के दौरे में उन्होंने कई फिल्मों में कई एक्टर्स के लिए गाने भी गाए हैं। आपको बता दें कि उदित नारायण को 2009 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी बेहतरीन गायकी के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म फेयर अवार्ड को बेस्ट सिंगर के 5 अवार्ड भी उनके नाम है। ये अवार्ड उन्हें राजा हिंदुस्तानी, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम और कई फिल्मों के लिए मिल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि उदित ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी? जी हाँ, उदित की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली बातें हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, उनके सुपरहिट गानों में शामिल एक गाना 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का गाना मैं निकला गड्डी लेके भी है। सनी देओल पर दर्शाया गया ये गाना फैंस के बीच काफी मशहूर हुआ था और जिसे लोग आज भी याद करते हैं। गौरतलब है कि फिल्म का एक सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें सनी देओल एक स्पेशल अपीयरेंस में होंगे। लीड रोल के रूप में उनके बेटे करण देओल और एक्ट्रेस सारा अली खान होंगी। खुशी की बात ये है कि उदित का ये मशहूर गाना इस फिल्म में एक बार फिर लिया जाएगा और इसे खुद उदित गाने वाले हैं। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सन 1947, बंटवारा 2 मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। क्या थी गदर के असली तारा सिंह की कहानी? क्यों नहीं आई थी रियल सकीना अपने रियल तारा के साथ वापस? कहां से शुरू होगा अब गदर 2 की कहानी का सफर? 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है।
फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या थी रियल लव स्टोरी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत चर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असली घटना से प्रेरित है? जी हाँ, यह कहानी है बूटा सिंह और जैनब की, और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वह लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है, और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी तो कर लेते हैं, उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारे में भारत आ चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रेफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है, और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाती है। जैसे कि फिल्म में तारा सिंह और उसका बेटा भारत में ही रह गया था। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजते हुए पाकिस्तान जा पहुंचता है, और यह पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर की मियां साहब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। आपको बता दें कि गदर का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है, इसमें भी बूटा की लाइफ को आगे दिखाया जाएगा। आगे की लाइफ से मतलब है कि बूटा ने कैसे फैसला लिया कि वो मरेगा, कैसे जैनब को पता चला कि बूटा ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि बेशक यह एक सीक्वल होगा और पहले पार्ट में हैप्पी एंडिंग भी हुई थी, तो फिर कैसे शुरू होगी इनकी अलग कहानी? यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि इसमें से एक नई कहानी और नए किरदार के साथ शुरू की जाएगी, जिसमें कहानी को बूटा सिंह की लाइफ से कहीं कहीं जोड़ा जाएगा। पर अब देखना यह होगा कि आखिर कैसे स्क्रीन पर दिखा पाएंगे डायरेक्टर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसकी ट्रिक, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। गदर के सेट से क्या किस्सा शेयर किया था अनिल ने, कैसे पड़ी थी जीत की जान मुश्किल में, सबसे बड़ा सवाल कौन करेगा गदर 2 में बवाल। बस इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा को रिलीज हुए 16 साल हो गए हैं। 15 जून 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म ने उस दौरान थिएटर्स में 77 करोड़ रुपीस कमाए थे। वहीं फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वो लगभग 400 करोड़ रुपए है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। वो खास खबर खुद अनिल के बेटे से रिलेटेड है, जी हाँ, जिसने गदर में सनी देओल के बेटे जीत का रोल निभाया था। अनिल बताते हैं कि मैं अपने आप को इसका दोषी मानता हूँ कि सेल्फिश बना और मैंने एक सीन के लिए मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। आपको बता दें कि दरअसल बात ये थी कि सनी को ट्रेन के ऊपर अमीषा पटेल के साथ एक बोगी से दूसरी बोगी पर दौड़ते जंप करते हुए जाना था। इस सीन में सनी के कंधे पर उनका रियल बेटा जीत और अनिल का रियल बेटा मतलब उत्कर्ष था।
उस समय शूटिंग के दौरान ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी जिस पर ये सीन शूट हुआ। जब शूटिंग हो रही थी तो इस दौरान अनिल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि जाहिर है कोई ये नहीं देख सकता था कि उसका बेटा जोखिम भरी शूटिंग का हिस्सा है। डरना लाजमी था लेकिन सनी के 2.5 किलो के हाथ ने उत्कर्ष की जान पर जीत पाई। अनिल साथ में बताते हैं कि शूटिंग के दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो मैं अपने बेटे को खो देता। जब ट्रेन रुकी, शूट कट की आवाज आई, तब मैंने आंख खोलकर देखा तो सनी उत्कर्ष के साथ खेल रहे थे। ये देखकर मेरी जान में जान आई। इस डिसीजन के लिए मैं आज भी खुद को कोसता हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की था। आज भी उस सीन के बारे में सोचकर मैं टेंशन में आ जाता हूँ जैसे ये 16 साल पुरानी नहीं बल्कि कल की ही बात हो। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो यही जीत आपकी इस फिल्म के हिट होने से हुई, करोड़ों रुपये की जीत। बस इसी जीत का जश्न मनाने एक बार फिर अनिल गदर की एक अनोखी प्रेम कहानी को वापस स्क्रीन पर ला रहे हैं जो गदर फिल्म का सीक्वल होगी। और मजेदार बात यह है कि सीक्वल को खुद जीत यानी अनिल के वो ट्रेन वाले बेटे उत्कर्ष ही लीड करेंगे। गदर 2 में उत्कर्ष के साथ आलिया भट्ट नजर आने वाली है। इससे पहले भी आलिया राजी में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा चुकी है। अब एक बार फिर वो गदर में पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाएंगी। लेकिन अनिल के लिए अटकल अब विलन के रोल के लिए है क्योंकि अब अमरीश पुरी जैसे बेहतरीन खलनायक हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आजकल अनिल गदर 2 के लिए एक अच्छा खलनायक ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों की नजर में कोई ऐसा खलनायक हो तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन खबरदार, अपने रिश्तेदारों का नाम कोई नहीं लिखेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। फिर अशोक द्वारा रखी गई क्या थी वो दो शर्तें, क्या सकीना और तारा एक हो पाएंगे, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं यानी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आपका मिशन गदर के बारे में। हमने बॉलीवुड स्टूडियोज की लास्ट वीडियो में आपको सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर के बारे में बताया। उस फिल्म ने सकीना के लिए यानी कि अपने प्यार सकीना के लिए तारा अपने बेटे जीत के साथ पाकिस्तान पहुंचता है जहाँ उसका सामना सकीना के पिता अशरफ से होता है जो कि उसे अपना दामाद बनाने के लिए राजी नहीं होता। और वहीं तारा को अपने घर का दामाद बनाने के लिए कुछ शर्तें तारा के सामने रखता है। उनकी शर्तें थी कि तारा और सकीना इन दोनों से मिलकर पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये थी कि सकीना को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले दिन तारा इन दोनों की शर्तों को मान लेता है लेकिन ये अशरफ के प्लान के खिलाफ होता है। अशरफ को लगता है कि तारा इन दोनों शर्तों को मना कर देगा और वापस भारत चला जाएगा लेकिन वो कुछ उल्टा जाता है। इसके बाद अशरफ तारा को एक बार फिर अपने पास बुलाता है जहां पर वो सच्चा पाकिस्तानी होने का दावा भी करता है और वो उसे कहता है कि वो अपने देश की बुराई करे। इस बात से तारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर अशरफ से भेजे होते हैं लोग तारा को मारने के लिए लेकिन तारा उन सभी को मार जाता है। इस सब के बीच से बचकर तारा उसका एक दोस्त और सकीना वहाँ से भाग निकलते हैं। वो बागा बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आस पास के गाँव में छुप जाते हैं। अब दोस्तों उन्हें वहाँ भागते भागते एक छोटी सी कुटिया दिखती है जहाँ पर वो रहने के लिए पन्ना देते हैं। अब वहाँ वो जाते हैं तो वहाँ पर इस कुटिया की मालकिन यानी कि उस आदमी की बीवी बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। तो वो सकीना से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। उस बात के लिए सकीना अपने कुछ गहने एक औरत के हाथ में छुपा देती है लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा लाजमी होती है तो वो उसे थोड़े और गहने मांगती है जिसके लिए सकीना मना करती है। तो अब वो औरत सकीना को उस कुटिया से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों वहाँ पर कोशिश करने के बाद तारा और सकीना वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक ट्रेन मिलती है, एक काफी ट्रेन मिलती है जिसमें बैठ कर वो भारत की ओर निकल जाते हैं। ये बात सकीना के पिता अशरफ को पता लग जाती है तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ उनका पीछा करने के लिए एक ट्रेन के जरिए पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो गोलीबारी शुरू कर देता है जिसके बीच सकीना को गोली लग जाती है। इसके बाद सकीना को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है जिसके बाद पता लगता है कि सकीना कोमा में जा चुकी है। कुछ समय बाद सकीना कोमा से जागती है और उसको अपना परिवार अपने सामने दिखता है। और दोस्तों खुशी की बात ये होती है कि अशरफ तारा और सकीना को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब तारा और सकीना वापस से भारत चले जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब इस फिल्म के अंत में सब कुछ अच्छा ही है। अब वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, मूवी में भी कुछ ऐसा।
रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज 2001 में किन फिल्मों ने की थी ताबड़तोड़ कमाई? गदर एक प्रेम कथा से भी आगे रही कौन सी फिल्म? क्या थी सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की कमाई? साल 2001 में रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। महज 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी कहानी, कास्ट और प्रमोशन के चलते 130 रुपए करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस साल और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो इस फिल्म के टक्कर में रही होंगी, तो आइए आज हम आपको साल 2001 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। करण जौहर द्वारा निर्देशित और उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कई टैलेंटेड कलाकार थे। यह फिल्म एक मेलोड्रामा फिल्म थी जिसमें एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है, कैसे वे आपस में गलतफहमी और मुश्किलों का सामना करते हैं जब उनका गोद लिया बेटा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए का था, इसने 136 करोड़ का बिजनेस किया था। लगान फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अपने कमाल के डायलॉग्स और कहानी के लिए मशहूर इस म्यूजिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था, जबकि फिल्म के लीड स्टार आमिर खान ने अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण किया था। उनके अलावा इसमें ग्रेसी सिंह की भी मुख्य भूमिका थी। कहानी एक गांव और उसके किसानों की है जहां अंग्रेजों का कब्जा है और वे लगान बढ़ाते रहते हैं। अब गांव वाले इसका क्या इलाज निकालते हैं, यह फिल्म में दिखाया गया है। 25 करोड़ के बजट में यह बनी फिल्म ने 65 करोड़ का बिजनेस किया था। दिल चाहता है फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आने वाले समय की रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित इस फिल्म में आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया मुख्य किरदार में थे। फनान अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। कहानी तीन दोस्त आकाश, समीर और सिद्धार्थ की है जो कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, यह फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 45.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2001 की इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान की जोड़ी ने किया था, जिसे MR फिल्म्स इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया था। इसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। कहानी एक शादीशुदा जोड़ी राज और प्रिया की है जो एक जवान प्रोस्टिट्यूट मधुबाला को उनके लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हायर करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब मधुबाला राज के प्यार में पड़ जाती है और बच्चा रखने को कहती है। महज 13 करोड़ की बजट में बनी है फिल्म ने 37.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये तो एक लिस्ट थी 2001 की सुपरहिट फिल्मों की जिन्होंने अपनी कमाई के दम पर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। गौरतलब ये है कि गदर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यानी कि कभी खुशी कभी गम के बाद आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि गदर का एक सीक्वल भी बन रहा है जिसमें एक लीप लेकर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सारा अली खान और सनी देओल के बेटे करण देओल मुख्य किरदारों में होंगे। फिल्म से जुड़े बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ बनी रहिए और नीचे कमेंट में हमें इस वीडियो के सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। कौन है तारा और सकीना का बेटा जीते? अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्में ही क्यों करते हैं ये एक्टर? क्या गदर के सीक्वल में होगा इनका खास रोल? 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल का बेटा जीते तो आपको याद ही होगा। अपनी क्यूट सी स्माइल और मासूमियत से उस बच्चे ने सबका मन मोह लिया था।
उस बच्चे का असली नाम उत्कर्ष शर्मा है, जो निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्कर्ष ने अपने पिता की ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था। आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। उत्कर्ष का जन्म 22 मई 1994 को मुंबई में हुआ था। वे बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में गदर, पुलिस वाला गुंडा, अपने, वीर आदि जैसी कई फिल्में दी हैं। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी से उत्कर्ष को फाइन आर्ट्स इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में बैचलर्स डिग्री हासिल है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अपने पिता की ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा में बतौर एक चाइल्ड एक्टर की थी, जिसमें वो सनी देओल और अमीषा पटेल के किरदारों के बच्चे बने थे। उस समय उनकी उम्र महज 7 साल थी। फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बतौर एक लीड बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनका डेब्यू भी उनके पिता द्वारा निर्देशित 2018 की फिल्म जीनियस से हुआ था। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस इशिका चौहान थी। पर क्या आप जानते हैं कि गदर और जीनियस के बीच में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं? जी हाँ, वे अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों और अपने में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा 2015 की शॉर्ट फिल्म पर्पस को वो निर्देशित और निर्मित भी कर चुके हैं और 2016 में स्टिल लाइफ नामक एक शॉर्ट फिल्म के लिए कहानी भी लिख चुके हैं। उनकी फिल्म गदर एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जिसने उन्हें भी एक पहचान दिलाई। लोग उनके मासूम लुक्स और क्यूट सी स्माइल पर फिदा होने लगे। मात्र 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 130 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया था। अब अगर आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको वो वीडियोस पता होंगी जहां हमने बताया था कि फिल्म के मेकर्स अब इस सुपरहिट फिल्म का एक सीक्वल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि फिल्म की कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, गौरतलब है कि फिल्म को एक बार फिर अनिल शर्मा ही निर्देशित करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उत्कर्ष फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल मेकर्स चाहते हैं कि सीक्वल में फ्रेश कास्ट के साथ नए तरीके से इसे बनाया जाए, और चूंकि उत्कर्ष पिछली फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं इसलिए इस बार वो नहीं होंगे। हालांकि पिछली फिल्म से सनी देओल जरूर कुछ समय के कैमियो में होंगे, जो नई कास्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिल्म में उनके बेटे करण देओल मुख्य भूमिका में होंगे, जबकि अमीषा पटेल यानी कि लीड एक्ट्रेस के रूप में सारा अली खान होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको भी हमारी ही तरह फिल्म का बेसब्री से इंतजार है? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। खुद को एक्सीडेंटल फिल्म एक्ट्रेस क्यों बोलती है ये एक्ट्रेस? कई स्पोर्टिंग रोल कर चुकी ये एक्ट्रेस कौन है? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने वाली लिलेट दुबे भले ही लीड रोल्स में ना दिखी हो, पर अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि दर्शक उनके छोटे से रोल को भी हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। ऐसा ही एक रोल उन्होंने किया था 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में। आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। उनका जन्म 7 सितंबर 1953 को पुणे में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ। उनका असली नाम लिलेट केसवानी है। उनके जन्म के बाद उनका परिवार पहले बीकानेर और फिर लखनऊ शिफ्ट हो गया था, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए और वहां पढ़ाई करने के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए। जब वो 9th क्लास में थी तब वो वापस पुणे आए, जहाँ उन्होंने पहली बार एक्टिंग शुरू की। दुबे पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उन्हें घर वाले चाहते थे कि वो साइंस ले, पर आर्ट्स लेना चाहती थी और काफी मनाने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली। इसी समय उनकी मुलाकात रवि दुबे से हुई, जिनसे उन्होंने 1978 में शादी कर ली। 2015 में कैंसर के चलते रवि की मौत हो गई। उनकी दो बेटियां नेहा और ईरा दुबे हैं, जो खुद भी एक्ट्रेसेस हैं। लिलेट हमेशा खुद को एक्सीडेंटल फिल्म एक्ट्रेस बुलाती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक फिल्मों में उनका आना एक संयोग था। 1999 में अक्षय कुमार और सोनाली बेंद्रे की फिल्म लव यू हमेशा से उन्होंने डेब्यू किया था। फिल्म में उन्हें सराहाया गया। इसके बाद 2000 की फिल्म बवंडर में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। हालांकि उन्हें असल पहचान 2001 की फिल्म जुबेदा में उनके किरदार आंटी रोज से मिली। इसके बाद उसी साल गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने अमीषा पटेल के किरदार की माँ का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें हर तरफ तारीफें मिलने लगी। उसके बाद मॉनसून वेडिंग, ओम जय जगदीश जैसी फिल्में उन्होंने की।
2003 की फिल्म बागबन में वन परेश रावल की पत्नी के रूप में दिखी थी, जिस रोल को आज भी याद किया जाता है। लीलेट 40 सालों से एक्टिंग कर रही है और फिल्मों के अलावा 40 से भी ज्यादा थिएटर प्ले में काम कर चुकी हैं। उसके अलावा टेलीविजन और वेब प्लेटफॉर्म पर भी नजर आती रहती हैं। आखिरी बार G5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल बन रहा है, जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लीलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लीलेट उनके माँ के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की माँ के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को। क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना, इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। सनी देओल ने फिल्म में सिख तारा सिंह का रोल निभाया था, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उपजी ये प्रेम कहानी किस कोहराम से गुजरते हुए अंजाम पाती है वो इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब एक बार फिर गदर के मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की ठान ली है। हो सकता है वो एक बार फिर गोविंदा को इस फिल्म में लाने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है, क्या आप तारा सिंह की जगह किसी और को दे पाएंगे? क्या गोविंदा इस रोल को करने के लिए दोबारा मना करेंगे? आपके जवाब हमें कॉमेंट। सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। क्या
बनने जा रही है गदर 2। ऐसे शूट हुआ था फिल्म का रेल वाला सीन, कहाँ हुई थी गदर फिल्म के हैंडपंप वाले सीन की शूटिंग, कैसे एक नई ट्रेन को पुराना बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जुआल। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा तो सबको याद होगी, मतलब कोई नहीं होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। मूवी में एक पुरानी ट्रेन और उसमें भरे हुए लोग, मतलब कि ये जो सीन था झंझोर वाले देना सीन था। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसको एक आर्ट डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी करके पॉसिबल कर दिखाया। ये थे बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर संजय एस दाबाड़े। ये कैसे पॉसिबल हुआ उन्होंने बताया, आर्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ वेडिंग सेट भी डिजाइन कर डालते थे। लक्ष्मी निवास मित्तल के बच्चों की शादी में उन्होंने अपनी दमदार क्रिएटिविटी दिखाई। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के एक वास्तविक रेलवे स्टेशन को ही मूवी में दिखाना था, लेकिन पुराने रूप में, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन आज भी बहुत पुराना है और हमने उसी को चुना और एक नई ट्रेन में पुराने डिब्बे लगाकर उस पर मिट्टी के रंग का कलर कर दिया। इससे ट्रेन पुरानी दिखाई देने लगी और इसमें लोगों को भरकर वाला सीन पूरा किया गया, जो कि गदर मूवी की जान बन गई। इसमें चैलेंज भी था क्योंकि हमें ट्रेन 4 घंटे के लिए दी जाती थी, ऐसे में इतने कम समय में वो सीन पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्रिएटिविटी ने ये सब आसान कर दिखाया। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी और उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन आज हम बताते हैं कि वो हैंडपंप वाला सीन कहाँ शूट किया गया था। जब सनी देओल याद करते हैं हम सनी देओल को, तो ये हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन जरूर याद आता है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, पहले नंबर पर बन गई थी। लेकिन ये जो फिल्म थी, हैंडपंप वाला जो सीन था, वो भारत के मैसूर राज्य में फिल्माया गया था और बहुत ही बेहतरीन ये सीन था दोस्तों। सनी देओल के इस अंदाज को सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन दर्शकों का सबसे लोकप्रिय सीन है। वहीं इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी, अमीषा पटेल के अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। 18 साल के बाद भी गदर एक प्रेम कथा का जो डायलॉग्स हैं, जो कहानी है, वो आज भी लोगों के दिलों को उतना ही छूती है। वैसे अगर आप गदर के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक लव स्टोरी फिर से लेकर आने वाले हैं जो कि विभाजन से जुड़ी हुई है और साथ ही एक गदर 2 की कहानी है। लेकिन विभाजन के बाद इस लव स्टोरी पर क्या प्रभाव पड़ा, विभाजन में वो साथ तो है लेकिन कैसे उनके परिवार और समाज ने उनको अलग कर देने का प्रयास किया, ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार समान धर्म होने वाले हैं। उस वक्त ऐसा था, एक हिंदू थी एक मुसलमान थे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गदर 2 में एक धर्म के अंदर जमा अनेक धर्मों की काई पर ध्यान दिया जाने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं गदर 2 के लिए, हमें नीचे सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। किसका सीन काट दिया गया था फिल्म गदर से? गदर 2 के आने की जानकारी किसने और कैसे दी? फिल्म गदर किसमें हुई थी वरदान साबित? आज हम बात करने वाले